हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनु शर्मा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दीर्घाकार आवर सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया, सभी आवर सारणियों के अंदर, मेंडलीव की आधुनिक आवर सारणी के अंदर जो मोजले ने नियम के अंदर करेक्शन किया था, वो ये था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उसी के आधार पर उस आवर सारणी के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन किए। इस आवर सारणी को हम बोहर की आवर सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो तत्वों का अरेंजमेंट किया गया है, तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है, वो इस आधार पर किया गया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी वर्गों के अंदर उपस्थित तत्वों को बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनको किस नाम से रखा गया है, क्या उनकी संयोजकताएँ होती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आठ वर्ग इसको यहाँ पर रखा गया है। पहला और जो दूसरा वर्ग होता है, ये प्योर धातु होती हैं। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु या एल्कली मेटल कहा जाता है, और द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। इन तत्वों को एस ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है, और इनको NS1 और NS2 से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर N कक्षाओं की संख्या है, और S1 और S2 यानी कि S कक्षा के अंदर यहां एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां S कक्षा के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी वर्ग को जो वर्ग संख्या दी जाती है 1, 2, 3, 4, वो इस आधार पर दी जाती है कि उनकी बाह्यतम कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, तो इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए इनको प्रथम वर्ग के अंदर रख दिया जाता है। इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनको द्वितीय वर्ग के अंदर रखा गया है। इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं, NS2NP1, इसलिए इनको तीसरे वर्ग के अंदर रखा है। इनकी बाह्यतम कक्षा के अंदर NS2NP2 चार इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनको चौथे वर्ग के अंदर रखा गया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 यानी कि बाह्यतम कक्षा के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनको पांचवें वर्ग के अंदर रखा है। यहाँ पर बाह्यतम कक्षा के अंदर NS2NP4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनको छठे वर्ग के अंदर रखा गया है। यहाँ पर NS2NP5 आते हैं, यानी कि सातवें वर्ग के अंदर रखा है, और यहाँ पर NS2NP6 आते हैं, यानी कि इनको आठवें वर्ग के अंदर रखा गया है। इन तत्वों को हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, और ये बंद बनाने के लिए न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न देते हैं, इसलिए इनको शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। इनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये आसानी से वायुमंडल के अंदर उपलब्ध नहीं होती है, जिसको हम नोबल गैस कह सकते हैं, नोबल गैस भी कहा जाता है। अब एक एक करके सभी तत्वों को देखते हैं। प्रथम वर्ग के अंदर आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको हम याद करने की ट्रिक रख सकते हैं, है ली ना की रब से फरियाद, इस तरीके से याद रख सकते हैं, है ली ना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दूसरे वर्ग में आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इस तरीके से याद रखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चौथे नंबर पे काशी, गए, शंकर, प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। छठे नंबर पे आता है न्यूज़पेपर आज सब बिके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। छठे नंबर पे ओल्ड स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सातवें नंबर पे फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। और आठवें नंबर पे जो शून्य वर्ग की गैसें होती हैं उनको हम हर भजन ने अगर कर जॉन्टी रॉड्स, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडो। तो इन ट्रिक के आधार पर बच्चों आप इस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। बस आपको एक इनका नाम सही जानकारी होनी चाहिए, कौन से तत्व को हम किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और क्या उसका वास्तविक नाम होता है। अब यहाँ पर बात आती है इनके परमाणु क्रमांक की, परमाणु क्रमांक किस तरीके से तत्वों का निकाला जाता है। बहुत ही आसान टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस आसान टेक्निक के द्वारा आप लोग बहुत ही चुटकी के अंदर इन तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मैजिक संख्याएं होती हैं, प्रथम और वर्ग के अंदर पहले तत्व का तो सभी जानते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक एक होता है। तो दो, इसके अंदर हमें दो ऐड करना है, दो ऐड करेंगे तो तीन आ जाएगा, यहाँ पर आठ ऐड करना है, आठ ऐड करेंगे तो ग्यारह आ जाएगा, यहाँ पर फिर से आठ ऐड करना है, उन्नीस आ जाएगा, फिर अट्ठारह ऐड करना है, सैंतीस आ जाएगा, फिर इसके अंदर अट्ठारह ऐड करना है, पचपन आ जाएगा, फिर इसके अंदर बत्तीस ऐड करना है, कितना आ जाएगा, सतासी, 87 आ जाएगा। यानी कि हमें दो, आठ, आठ, अट्ठारह, अट्ठारह, बत्तीस, जिनको हम जादुई संख्याएं मैजिक नंबर कहते हैं। दूसरे वर्ग के अंदर बेरिलियम का चार होता है परमाणु क्रमांक, इसके अंदर आठ ऐड कर देंगे, बारह हो जाएगा, बारह में आठ ऐड कर देंगे, बीस हो जाएगा, फिर अट्ठारह, अड़तीस हो जाएगा, फिर अट्ठारह, छप्पन हो जाएगा, फिर बत्तीस, अट्ठासी हो जाएगा। इस तरीके से सभी के अंदर पाँच के अंदर आठ ऐड करो, तेरह, तेरह के अंदर यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, अट्ठारह, इकतीस हो जाएगा, 49 और 81। इस तरीके से छः, चौदह, बत्तीस, पचास, बयासी, सात, पंद्रह, तैंतीस, इक्यावन, तिरासी, आठ, सोलह, चौंतीस, बावन, चौरासी, नौ, सत्रह, पैंतीस, तिरपन, पचासी और दो, दस, अठारह, छत्तीस, चौवन, छियासी। इस तरीके से आप इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है इनकी संयोजकता की। संयोजकता मैंने बताया कि जिस तत्व की जो वर्ग संख्या होती है, जिस वर्ग के अंदर जो तत्व होते हैं और तत्वों की जो वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या ही तत्वों की संयोजकता होती है। जैसे कि ये सभी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों को प्रथम वर्ग के अंदर रखा गया है, इसलिए इनकी संयोजकता होती है वन होती है, और कौन सी, प्लस वन होती है, धनावेश की होती है। धनावेशित क्यों होती है, क्योंकि ये अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता प्लस वन होती है। इनकी प्लस टू होती है क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा के अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए प्लस टू होती है, उन्हें दूसरे वर्ग के तत्व कहा जाता है। इनकी प्लस थ्री होती है, इन ये अपनी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए
तीन इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इनको तीसरे वर्ग के तत्व कहा जाता है, उनकी संयोजकता प्लस थ्री होती है। यहाँ पर संयोजकता जो होती है प्लस फोर से माइनस फोर तक हो सकती है, यानी कि ये चार इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। यहाँ पर संयोजकता प्लस फाइव से माइनस थ्री तक हो सकती है, यानी कि ये पाँच इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस सिक्स से माइनस टू तक हो सकती है, यानी कि छह इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस सात से माइनस वन तक हो सकती है, यानी कि सात इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर शून्य होती है, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आठ होता है, ये न इलेक्ट्रॉन लेते हैं न इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसीलिए इन तत्वों को आठवां वर्ग या शून्य वर्ग कहा जाता है। आठवां वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और शून्य वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न इलेक्ट्रॉन लेते हैं न इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब बात आती है एस ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो सभी धातुएं होते हैं, प्रबल धातु होती हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इन पी ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु और उपधातु भी आती है। इस तरीके से आप इस आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं, इनकी संयोजकताएं, इनकी वर्ग संख्याएं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके नाम, इनके परमाणु क्रमांक, ये धातु है कि अधातु है और कौन से वर्ग के तत्व हैं, ये सभी चीज़ें आप इस आवर्त सारणी के द्वारा याद कर सकते हैं। यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अभी डी ब्लॉक के इसके नीचे आते हैं, और डी ब्लॉक के बाद जो नीचे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक की धातुओं को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि आवर्त सारणी के अंदर अधिकांश तत्व जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता, इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर जो कमियां थीं उन कमियों को काफ़ी हद तक दूर किया गया है, और इसको ज़्यादा अच्छे से, जिससे कि तत्वों का ज़्यादा आसानी से अध्ययन किया जा सके, इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो तत्वों को मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है, यानी कि तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर जो अरेंज किया है, जो व्यवस्थित किया हुआ है, उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है, जैसा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया गया था, लेकिन यहाँ पर इस कमी को पूरा किया गया है और समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है, जबकि असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर इस आवर्त सारणी के अंदर धातुओं एवं अधातुओं में स्पष्ट विभाजन किया गया है, यानी कि धातुओं को अलग रखा गया है और अधातुओं को अलग रखा गया है। शून्य वर्ग में उत्कृष्ट गैसों की स्थिति स्पष्ट की गई है, जितनी भी उत्कृष्ट गैसें मेंडलीव की भविष्यवाणी के बाद खोजी गई थी उन सभी को शून्य वर्ग के अंदर रखा गया है। संक्रमण यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको एस एवं पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों के साथ ही रख दिया गया था, इसलिए यहाँ पर उस कमी को दूर किया गया है, और डी ब्लॉक के तत्वों को एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों के नीचे एक सारणी में रखा हुआ है, और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो कुल तत्व हैं उनको चार ब्लॉक के अंदर एस पी डी एफ के अंदर बांटा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष, इस आवर्त सारणी के सबसे बड़ा दोष ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है, जैसा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर था, हाइड्रोजन को कोई एक निश्चित स्थान प्राप्त नहीं है, यानी कि इसको रखा तो फर्स्ट प्रथम ग्रुप के तत्वों के साथ रखा गया है, लेकिन ये अपनी काफ़ी विशेषताएं जो हैं हैलोजन के साथ प्रदर्शित करता है, इसलिए उनको हैलोजन के
अंदर भी रखा जाना चाहिए था। तो इसी तरीके से जबकि इसको प्रथम वर्ग के अंदर रखा हुआ है तो इसकी स्थिति अनिश्चित है। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के मुख्य भाग में समायोजित करना संभव नहीं है। जैसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड को अलग से रखा गया था, यहाँ भी मुख्य आवर्त सारणी के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को नहीं रखा गया है। आवर्त सारणी की व्यवस्था तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रतिबिंबित नहीं करती है। लगभग रासायनिक गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा गया है, जैसे बेरिलियम और लेड और बेरियम और लेड तथा कॉपर और मरकरी, इन तत्वों को अलग अलग समूहों के अंदर रखा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक। मैंने बताया कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को चार ब्लॉक के अंदर विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक बनाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाए गए हैं। यानी एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा के अंदर जाता है। पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर जाता है। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है। और एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा के अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व दो वर्ग होते हैं आवर्त सारणी के अंदर, पहला और दूसरा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए। इन तत्वों को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, प्रथम ग्रुप के तत्वों का NS1 होता है और द्वितीय ग्रुप के तत्वों का NS2 होता है। और इनके ऑक्सीकरण अवस्था +1 एवं +2 होती है। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु बोलते हैं और द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्षारीय धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि उसकी pH मात्रा जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। और इनको क्षारीय मृदा धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जलीय विलयन जो होता है वो भी क्षारीय होता है, उसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। और मृदा वर्ड यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, मिट्टी में पाई जाती हैं। इनकी आयनन एंथैल्पी अन्य ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता भी अन्य ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम होती है। और परमाणु में आयनिक त्रिज्याएं भी अन्य ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा कम होती हैं। इनकी क्रियाशीलता अन्य ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि दूसरे ब्लॉक के बी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। यहाँ पर NaHCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है और हाइड्रोजन गैस तेजी के साथ निकालता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस तेजी के साथ निकालता है। ये तत्व प्रबल अपचायक होते हैं, यानी अधातुओं को अपचयित कर देते हैं। Na+Cl2 यहाँ पर ये मिलके बना देता है NaCl। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर सभी तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं, यानी कि इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है। जब इनको ज्वाला में गर्म किया जाता है तो ये ज्वाला को एक विशेष प्रकार का रंग प्रोवाइड कराते हैं, रंग प्रदान कराते हैं, जिसको हम ज्वाला परीक्षण कहते हैं। पी ब्लॉक तत्व, जैसा कि मैंने बताया कि एस ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में मुख्य रूप से धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन आवर्त सारणी के अंदर पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर धातु, अधातु एवं उपधातु सभी पाई जाती हैं। और पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं? पी ब्लॉक में 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग, ये सभी तत्व जो होते हैं पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। यानी कि आवर्त सारणी का अधिकांश भाग जो होता है वो पी ब्लॉक तत्व वाला होता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, 13वें वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है, 14वें का NH2NP2 होता है, 15वें का NH2NP3, 16वें वर्ग का NH2NP4, 17वें वर्ग का NH2NP5 और 18वें वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP6 होता है। अब इन तत्वों के अंदर देखते हैं, इन पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर कौन से तत्व धातु, अधातु होते हैं, क्रमवार वर्ग वाइज देखते हैं। तो 13वां वर्ग होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
यहाँ पर सिर्फ बोरॉन धातु होती है, बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सभी धातु के रूप में पाए जाते हैं। और इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता प्लस थ्री होती है, यानी कि ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्थायी कर लेते हैं। वर्ग 14 के अंदर कार्बन धातु होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों उपधातु होती हैं, और टिन और लेड धातु होती है, और इनकी संयोजकता -4 से लेके +4 तक पाई जाती है, यानी कि इनकी वायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। 15वें वर्ग में नाइट्रोजन फॉस्फोरस अधातु होती है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु और बिस्मत धातु होती है, और इनकी जो संयोजकता यानी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +5 से -3 तक हो सकती है, यानी कि इनकी वायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। 16 वर्ग में ऑक्सीजन सल्फर एम सेलेनियम अधातु होती है, टेल्यूरियम उपधातु होती है और पोलोनियम धातु होती है, और इनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था +6 से -2 तक होती है। इनकी वायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। 17वें वर्ग में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अधातु होती है, और एस्टाटीन जो होती है ये धातु होती है, और इनकी संयोजकता +7 से -1 होती है। इनकी वायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। और फ्लोरीन जो होता है ये आवर्त सारणी का सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी त्यागता नहीं है, हमेशा ग्रहण करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसकी संयोजकता -1 हो जाती है। अब आता है 18वां वर्ग या शून्य वर्ग, इसके अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन सभी अधातु होती हैं। इनकी वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनको नए इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है, नए इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है, अतः इनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाती है। और इनकी परमाणु व आयनिक त्रिज्याएँ अन्य तत्वों की तुलना में निम्न होती है, यानी कि जब 13 से 17वें वर्ग के अंदर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती चली जाती है, और उसके बाद 18वें वर्ग की परमाणु त्रिज्या फिर बढ़ जाती है। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एवं हैलोजन अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि इनके अलावा जो अन्य तत्व होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे अधातु ऑक्साइड CO2, SO2, NO2, N2O3, N2O5, P2O3, P2O5 ये सभी क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और इन तत्वों के अंदर श्रृंखलन गुण पाया जाता है, कार्बन एवं सिलिकॉन में श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये तत्व जटिल आयन भी बनाते हैं, जैसे SO42-, CO32-, ClO3-1-। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1d उपकोष में प्रवेश करता है, उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ग आते हैं, 3 को थर्ड भी, 4 को फोर्थ भी, 5 को फिफ्थ भी, 6 को सिक्स्थ भी, 7 को सेवन्थ भी, 8, 9, 10 को आठवां वर्ग एवं 11 को फर्स्ट भी और 12 को सेकंड भी से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व परिवर्तीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनकी जो संयोजकता होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो परिवर्तनशील होती है। कॉपर +1 और +2 बनाता है, आयरन +2 और +3 बनाता है। ये सभी तत्व प्रबल धातु होते हैं और इनके विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और मिश्र धातु बनाने की योग्यता रखते हैं। इनकी आयनन एंथैल्पी 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये कम क्रियाशील होते हैं एवं रंगीन धनायन बनाते हैं
और ये जो रंगीन धन आयन बनते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण बनते हैं। तत्व के अंदर अलग अलग संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनके रंग भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अगर किसी तत्व के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य है तो वह रंगहीन होगा, यानी Cu+1, Zn+2, Sa+3 और Ti+2। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है तो अलग अलग प्रकार के कलर प्रदर्शित करेंगे। V+4 नीला करेगा, Cu+2 नीला करेगा, Ti+3 गुलाबी करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो है तो V+3 हरा होगा, Ni+2 हरा होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीन है तो V+2 बैंगनी होगा, Cr+3 हरा होगा और Co2+ गुलाबी होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार है तो Cr+ नीला, Mn+3 बैंगनी, Fe+2 हरा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाँच है तो Mn+2 गुलाबी और Fe+3 पीला रंग प्रदर्शित करेगा। ये तत्व संकर आयन बनाने की योग्यता रखते हैं, जटिल आयन बनाने की योग्यता रखते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है उच्च धनावेश, छोटी त्रिज्या और अपूर्ण द्वीप कोष। जैसे कि FeCN6 के ऊपर 3- चार्ज, CuNH3 के ऊपर NH3⁴ के ऊपर 2+ चार्ज। इन तत्वों की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, किसी अभिक्रिया में डालने पर यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। और इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं और ये तत्व अरस समीकरण मितीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी कि अनुपात जो होता है वो अनिश्चित होता है, वो भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है, दशमलव में होता है। जैसे Fe.98 O, Ni.96 O। इन तत्वों के अंदर, इन यौगिकों के अंदर जो तत्वों का अनुपात होता है वह निश्चित नहीं होता है, वो फ्रैक्शन में होता है, वो भिन्न में होता है। F ग्लोक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में प्रवेश पाता है। इन तत्वों में N-1D के अतिरिक्त F कक्षक भी अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है और F कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 14 तक होती है। ये तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं, क्योंकि इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें N-2F उपकोष जो होता है वो अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनमें N-1D उपकोष अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। और यहाँ पर उनको, इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें अंदर वाली उपकोष यानी कि N-2F उपकोष जो है अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों की दो श्रेणी आवर्त सारणी के अंदर रखी गई हैं। पहली श्रेणी होती है 58 परमाणु क्रमांक से लेके 71 परमाणु क्रमांक तक। इसके अंदर 14 तत्व आते हैं और इन तत्वों को लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और इनमें जो प्रथम तत्व होता है वो लैंथेनम होता है। लैंथेनम परमाणु के नाम पर ही इस श्रेणी को हमने लैंथेनाइड का नाम दिया है। दूसरी श्रेणी जो होती है 90 परमाणु क्रमांक से लेके 103 तक होती है और इस श्रेणी का जो प्रथम तत्व होता है वो एक्टिनम होता है और उसी के नाम पर इस श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी का नाम दे दिया है। और इन तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व जो होते हैं यूरेनियम के बाद होते हैं और इनमें से अधिकांश तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें अपने अंदर से निकालते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2, S2, P6, D10 और F में 0, 2 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ये सभी तत्व जो हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती हैं। सभी तत्व धातुएं होती हैं और ये धनायन बनाती हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, इन इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अपना धनायन बनाती हैं और इनमें धातुओं के सभी गुण पाए जाते हैं। उच्च आवेश, छोटे आकार एवं अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण ये तत्व संकर यौगिक बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों की जो प्रकृति है वो
अनुचुंबकीय प्रकृति होती है, क्योंकि इनके पास अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं। ये सभी तत्व धनायन बनाने के कारण आयनिक यौगिक बनाते हैं। इनके आयनों का आकार तेजी से घटने के कारण ये लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड संकुचन दिखाते हैं, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड संकुचन प्रदर्शित करते हैं। N-2F इलेक्ट्रॉन के भरने के कारण लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के रासायनिक गुण लगभग एक समान होते हैं। रासायनिक गुण एक समान होने का मुख्य कारण ये है क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो N-2F कक्षक में भरा जाता है, और जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में भरे जाते हैं उनके रासायनिक गुण सभी समान होते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।